हेलो स्टूडेंट, आपने सिस्टम का एमसीक्यू का ये 12th पार्ट है, ठीक है। इसके बाद मैं इसके ऊपर अभी तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन इन द फ्यूचर कभी इसको बनाना होगा तो मैं बनाऊंगा एमसीक्यू, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है इसको देख लें ढंग से, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करके रखें। साथ में बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, थोड़ा सा कर दो सब्सक्राइब कर दो, क्या जाता है आप लोग का, ठीक है। वीडियो को लाइक करो अगर अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ डिस्क इंटू सेक्टर दैट द डिस्क कंट्रोलर कैन रीड राइट बिफोर आर डिस्क कैन स्टोर डाटा इज नोन एज, ठीक है। इसको जो एक्चुअली बोला जाता है, इसको बोला जाता है लो लेवल फॉर्मेटिंग, ठीक है। जो करेक्ट आंसर का जो होता है लो लेवल फॉर्मेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, द डाटा स्ट्रक्चर फॉर ए सेक्टर टिपिकली कंटेन, ठीक है। डाटा से क्या कंटेन करता है, तो वो जनरली जो है आपका वो कंटेन करता है, वो हेड आपका हेडर भी कंटेन करता है, डाटा डाटा एरिया भी कंटेन करता है, और टेलर भी कंटेन करता है। दूसरा जो करेक्ट आंसर है वो आपका जो है वो ऑल ऑफ द मेंशन्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द हेडर एंड टेलर ऑफ ए सेक्शन कंटेन इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द डिस्क कंट्रोलर सच एज, ठीक है। कौन कौन से डिस्क कंट्रोलर ये आपका जो है वो मतलब वो किया जाता है इसमें, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका है वो आपका है एरर करेक्टिंग कोड ECC एंड सेक्टर नंबर, इसके द्वारा जो है इसको, ठीक है, यहाँ पर है आपका इसका करेक्ट आंसर यही है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ठीक है, दो टाइप के आपके इन्फॉर्मेशन है। पहला ये क्या है, ये आपका एरर कंट्रोलिंग करेक्टिंग कोड है, और सेक्टर नंबर है, ये दो टाइप के इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, द टू स्टेप द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक टू यूज अ डिस्क टू होल्ड इट्स फाइल आर, ठीक है। दो स्टेप कौन 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 से हैं, तो यहाँ पर दो स्टेप जो है पार्टीशन है और लॉजिकल फॉर्मेटिंग है, ठीक है, ये आपका दो स्टेप है। नेक्स्ट, द मेन इंसलाइज ऑल एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम फ्रॉम सीपीयू रजिस्टर टू डिवाइस कंट्रोलर द कंटेंट्स ऑफ मेन मेमोरी एंड देन स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो एक्चुअली ये सारा जो काम होता है, ठीक है, आपका जो इनिशियलाइज करना जो है इसको, मतलब जितने भी आपके सिस्टम हैं, ठीक है, वो सारे काम जो होते हैं बूट स्ट्रैप के करते हैं। जो बूट स्ट्रैप इसका आपका जो है प्रोग्राम होता है उसके द्वारा सारे काम किए जाते हैं, ठीक है। और खासकर बूट स्ट्रैप जो होता है वो रोम जो आपका मेमोरी होता है उसमें इसको स्टोर करके रखते हैं। आप मतलब आप बूट स्ट्रैप को ऐसे नहीं डिलीट कर ही नहीं सकते हो अभी ऐसे ही, ठीक है। अगर वो डिलीट हो जाता है तो आपका सिस्टम रन नहीं करेगा, तो ऐसा करेक्ट आंसर हो जाता है बूट स्ट्रैप, ठीक है। द मोस्ट कंप्यूटर द बूट स्ट्रैप स्टोर इन, कहाँ स्टोर करते हैं उसको, कहते हैं रोम में स्टोर होते हैं, ठीक है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, आप जानती होगी। द डिस्क डेट हैज ए बूट पार्टीशन इज कॉल्ड, ठीक है, जो डिस्क होते हैं बूट पार्टीशन बोलते हैं उसको, उसको क्या बोला जाता है आपका, वो बूट डिस्क बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, डिफेक्टिव सेक्टर ऑफ द डिस्क आर ऑफन नोन एज, जो डिफेक्टिव सेक्टर होते हैं उसको बैड ब्लॉक बोला जाता है, ठीक है, बैड ब्लॉक डिफेक्टिव सेक्टर। अभी तक तो गुड ब्लॉक तो बोला नहीं जाएगा, ठीक है, तो बैड ब्लॉक बोला जाएगा। इट इज डैश टू री रीड ए पेज फ्रॉम द फाइल सिस्टम देन, ठीक है। तो इसे इसलिए पूछ रहा है कि अगर हम किसी फाइल सिस्टम के पेज को री रीड कर दें, ठीक है, और मतलब राइट और राइट 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 करने बजाय, मतलब राइट टू इज टू स्वैप स्पेस, तो जो स्वैपिंग करना थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा इफिशियंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें जो एक्चुअली क्या होता है, ये इट इज मोर इफिशियंट लिखा है। यहाँ पर जो होगा आपका जो है वो 9 का जो है आपका वो सी वाला आंसर होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पर सी क्या है, द इट इज मोर इफिशियंट टू रीड ए पेज पेज फ्रॉम द फाइल सिस्टम देन टू राइट इट टू सेव स्पेस, ठीक है, एंड देन द रीलोड री रीड इट फ्रॉम देयर, ठीक है। तो इसका आपका कह रहे थे मोर इफिशियंट हो जाता है। 10 का देखते हैं, द स्कीम यूज इन द अबव क्वेश्चन इज नोन एज, ठीक है, क्या बोला जाता है आपका। तो यहाँ पर तो इसमें जो क्वेश्चन में क्या कौन सी स्कीम यूज हुई है उसको बोलते हैं सेक्टर स्पायरिंग ऑन फॉरवर्डिंग, ठीक है। इसका आपका जो करेक्ट है आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एंड एंड अनरिकवरेबल एरर इज नोन है, ठीक है। जो अनरिकवरेबल एरर होते हैं उसको बोलते हैं आपका
हार्ड ईरम, ठीक है। नेक्स्ट, वर्चुअल मेमोरी यूज डिस्क स्पेस एज एन एक्सटेंशन ऑफ, ठीक है। तो एक्सटेंशन ऑफ, जो जब हमारा जो मेन मेमोरी आपका जब जब फिल हो जाता है तो हमको वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। जो डिस्क स्पेस, जो भी आपका सेकेंडरी डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होता है, वहाँ से जो वहाँ पर जो है कुछ वर्चुअल मेमोरी क्रिएट होती है, वहाँ से वो एक्सेस कर रहा होता है, ठीक है। अपने जो जो चीज़ें फाइल रैम, मतलब रैम मेन मेमोरी वाली चाहिए थी, वो आपका डिस्क में उसको डिस्क में वो यूज कर लेता है, वहाँ वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करके। जब भी वर्चुअल मेमोरी काम कंप्लीट होता है, वो अपना जो है वहाँ से वो रिमूव कर दिया जाता है। यूजिंग स्वैप स्पेस सिग्निफिकेंटली, ठीक है। अगर स्वैप कर रहे हो तो जब भी आप स्वैपिंग कर रहे होते हो तो हमेशा जो परफॉर्मेंस सिस्टम की वो डिक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डिक्रीज द सिस्टम परफॉर्मेंस, ठीक है। लाइनेक्स, लाइनेक्स डैश यूज ऑफ मल्टीपल स्वैप स्पेस, हाँ लाइनेक्स जो होता है अलाउ करता है मल्टीपल स्वैप स्पेस को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ए, लाइनेक्स अलाउ करता है, ठीक है। सिंगल स्वैप स्पेस रिसाइड इन टू स्पेस, हाँ सिंगल जो है दो स्पेस में कैन रिसाइड इन टू टू प्लेस, तो में वो करता हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन द यूनिक्स टू पर प्रोसेस आर यूज बाय द कर्नल टू ट्रैक स्वैप स्पेस यूज, ठीक है। तो किसमें इसमें क्या यूज हो रहा होता है, एक्चुअली में यहाँ पर जो है वो स्वैप मैप यूज हो रहा होता है। स्वैप मैप के थ्रू ही हमारा जो है यहाँ पर वो ट्रैक किया जाता है, ठीक है, स्वैप मैप। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करके रखें। इसके बाद जो है आप जो जितने भी वीडियो आएंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के आएंगे तो आप लोग उसको देखते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो डाल के रखा हुआ है, ठीक है, उसको भी देख लें। और भी मैं और भी वीडियो में डाल दूंगा तो जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।